दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची यानी जेपीएससी के द्वारा यहाँ पे जो न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिस यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे देख पा रही कि जो आपका यहाँ पे बताएगी कि झारखंड पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक सीधी भर्ती नियुक्ति। तो यहाँ पे जो आपका पशु चिकित्सक के यहाँ पे सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए यहाँ पे जो है यह रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे रखी गई है वेटरिनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक की पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो सीटें यहाँ पे निकाली गई है, तो टोटल यहाँ पे जो है 124 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे बतलाई गई है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 50 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 12 सीटें हैं, एससी के लिए यहाँ पे 13 सीटें हैं, एसटी वालों के लिए यहाँ पे 32 सीटें हैं, बीसी वन के लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं, एनबीसी टू वालों के लिए यहाँ पे 7 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ से जो है आप अपना देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या फिर वुमेंस कैंडिडेट होंगे, या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी होंगे, तो उसके अनुसार भी आपके यहाँ पे सीटें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो यहाँ से आप देख करके भी जो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो रिक्त पदों की यहाँ पे जो संख्या है, आपको घटाई या फिर बढ़ाई जा सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है जेपीएससी के सदस्यों पे। यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर इसमें आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको जो वेतनमान आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो यहाँ पे PB2 के लेवल के अनुसार यहाँ पे जो है 9,300 से लेकर यहाँ पे 34,800 रुपये बेसिक पे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड साथ में आपका ग्रेड पे आपको 5,400 रुपये आपको प्रतिमाह आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ये जो आपका पोस्ट है आपका अस्थाई पोस्ट है, ठीक है, ये आपका परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे होने वाली है। परिसमान की जो अवधि है 2 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि आपका अनिवार्य जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी होगी, जिसमें कि आपका बीवी साइंस यहाँ पे होनी चाहिए एंड एएच, तो अगर आपने जो है ये कर रखे होंगे बीवी एससी एंड एएच यानी कि आपका वेटरनरी साइंस में अगर आपने जो है ग्रेजुएट कर रखे होंगे, जो आपका 1984 के तहत अगर आपने किए होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में जो आपका क्वालिफिकेशंस रखी गई, तो रजिस्टर विद झारखंड वेटरनरी काउंसिल और इंडियन वेटरनरी काउंसिल। तो अगर आपने जो भारतीय पशु चिकित्सक परिषद या अगर आपने झारखंड राज्य के पशु चिकित्सा परिषद से निबंधित अगर होंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें, तो एज क्राइटेरिया आपको न्यूनतम यहाँ पे जो है 22 ईयर्स यहाँ पे न्यूनतम एज यहाँ पे रखी गई है, एंड मैक्सिमम जो है आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे, लाइक दैट आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो अपर एज यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। अगर आप EBC यानी कि अगर आप जो है EBC बैकवर्ड क्लास में अगर आप आते होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 37 ईयर्स आपको अपर एज यहाँ पे रखी गई। अगर आप फीमेल कैंडिडेट होंगे, अगर आप अनरिजर्व या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अगर फीमेल कैंडिडेट होंगे, तो उन लोगों के लिए 38 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। तो आप SC ST या फिर फीमेल किस कैटेगरी से होंगे, तो उसके अनुसार आप अपर एज में यहाँ पे देख करके भी जो है आप अपर अपना देख सकते हैं। अगर आप अपर एज में आरक्षण भी लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के अनुसार अपर एज में आरक्षण दिए जाते हैं, तो उसके अनुसार भी जो है आप अपर एज में आरक्षण ले सकते हैं। जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे तो लिखित परीक्षा आपको होंगी, एंड देन जो कैंडिडेट अगर आप जो है रिटर्न टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको यहाँ पे मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो जो लिखित परीक्षा आपको यहाँ पे जो होगी, उसमें आपको यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो फर्स्ट में जो आपका प्रथम पत्र होगा, इसमें आपका हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कि जो आपका मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स रहेंगे। आपका 3 घंटे के लिए जो है आपको यहाँ पर टाइम दी जाएगी, एंड सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर बदलाई गई। जो द्वितीय पत्र यानी कि जो पेपर 2 आपको होने वाली है, अंग्रेजी के माध्यम से होगी, जिसमें आपका 100 मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे की अवधि यहाँ पर बदलाई गई है। तृतीय पत्र जो आपको यहाँ पे पशु औषधि विज्ञान की रहेगी, एंड जो वेटरनरी सर्जरी की रहेगी, इसमें 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे के लिए आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सब यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड चतुर्थ जो पत्र आपको यहाँ पे जो पेपर 4 आपका होने वाला है आपका,
वेटरनरी ऑब्जेस्टिक्स एंड जैनोलॉजिकल यह रहेगी, एंड जो पशु पोषण विज्ञान रहेंगे यानी कि आपका एनिमल न्यूट्रिशन से आपका पेपर 4 का क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 200 पूर्णांक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे के ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड जो पाँचवा जो आपका पत्र होने वाला है यानी कि जो आपका पेपर 5 जो होगा, इसमें आपका जो है पशुधन या फिर उत्पादन एवं प्रबंधन या आपका जो है पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी, ये सब आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें भी जो है आपका 200 पूर्णांक के रहेंगे, एंड इनमें भी जो है 3 घंटे की आपको यहाँ पे ड्यूरेशंस दी जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से पूरे डिटेल्स में आप अगर इसमें क्वालिफाई अगर आप जो प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो इसको आप देख करके भी जो है प्रिपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आप लिखित परीक्षा में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे साक्षात्कार या फिर मौखिक परीक्षा यानी कि जो इंटरव्यू यहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे कुल जो है आपको 100 अंकों की जो है साक्षात्कार या फिर मौखिक परीक्षा की आयोजन यहाँ पे की जाएगी, जो लोग यहाँ पे रिटर्न टेस्ट में सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो आप देख पा रहे कि जो आपका कितने सारे मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए लाना पड़ेगा, आप यहाँ पे अनारक्षित कैटेगरी से होंगे उन लोगों के लिए 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए यहाँ पे 36.5% लाना होगा, एंड पिछड़ा वर्ग 1 के लिए यहाँ पे 34% यहाँ पे लाना होगा। तो आप यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी गई है, तो आप किस कैटेगरी से होंगे, तो ये सब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि मेगा सूची के अनुसार यहाँ पे जो है बतलाए गए हैं, तो आप इसमें देख करके भी जो है अपना प्रिपरेशंस कर सकती हैं। जो आरक्षण का लाभ आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो अगर आप झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होंगे तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है आरक्षण का लाभ भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप जो है SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमिलियर आते होंगे तो उन लोगों के लिए यहाँ पे तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको जो लगने वाले हैं, तो आप इसमें देख करके जो है आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप खेल कोटा के अंतर्गत आते होंगे, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आते होंगे, तो उनको यहाँ पे जो है डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती की यहाँ पे बदलाई गई है, जो कि आपका यहाँ पे प्रतियोगिता का स्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपको बदलाई गई है। तो आप अपना जो आपका होगा अगर आप ओलंपिक या फिर इन भारत की ओलंपिक ये सब किसी में भी पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ से आप देख करके भी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के होंगे तो उनको यहाँ पे सीधी भर्ती की यहाँ पे बतलाई गई है। यहाँ पे जो आपका मिसकंडक्ट यहाँ पे दी गई है, तो अगर ये आपको अगर आप किसी भी समय अगर आप जो आपका अगर JPSC में अगर आप किसी प्रकार के अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर आप उनमें कदाचार की भावना अगर आपको वहाँ पे दी होगी, तो वैसे कैंडिडेट को जो है इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान में रख के रहिए, आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे कि 10 पॉइंट में इसके बारे में कंडीशंस आपको बताएगी कि वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी JPSC अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित हो। तो अगर आपको किसी भी लोक सेवा आयोग या फिर JPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम होती है उनमें अगर आपको किसी भी प्रकार के अगर आप कदाचार पाए जाते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है इस परीक्षा में जो है वंचित कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो कि आप परीक्षा शुल्क जो है किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर चालान के माध्यम से जो है आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप जनरल या फिर OBC EWS के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे जो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग यहाँ पे अगर आप अनारक्षित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अगर आप SC ST के कैंडिडेट होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है आपको 150 यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको ली जाएगी। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी या फिर OBC होंगे तो उनको 600 रुपये, एंड जो लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति होंगे उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको ली जाएगी, जो आपका नॉन रिफंडेबल यहाँ पे होने वाली है। ओके, यहाँ पे जो इस फॉर्म को यहाँ भरना चाहते हैं तो आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको जाना होगा, तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे जो है अप्लाई करना है। देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताएगी कि ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना होगा। तो यहाँ पे जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं उसमें आप किसी भी प्रमाण पत्र का जो है आपको अटैच यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो ये पॉइंट में यहाँ पे देख पा रही कि जो बनाई गई कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
तो जो आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप उसमें फिल करते हैं या अब जो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको वहाँ पे मिलता है इस फॉर्म के भरने के बाद, तो वो आपको खुद से संभाल के रखना ये आवेदक की जिम्मेदारी होगी। ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई गई है, तो कैसे जो है इस फॉर्म को आपको भरना है, कैसे प्रिंट करके डाउनलोड कर लेना है, यह सब पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो आप यहाँ पे स्टेप टू स्टेप यहाँ पे जो है भर के आप पूरी डिटेल्स देख करके आप भर लीजिएगा, या फिर अगर भरने में किसी भी प्रकार के डाउट अगर आपके मन में होगा तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर दी गई है, जो इसका हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दी गई, तो इस हेल्पलाइन नंबर में भी आप संपर्क करके जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर आपका पेमेंट करने में किसी प्रकार के डाउट अगर रह जाती है, या फिर आपको पेमेंट किसी तरह की फंस जाती है, तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट करने की जो आपका हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दी गई है, तो पेमेंट हेल्पलाइन नंबर में भी जो है आप कॉल करके जो है आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। ये जो आपका कॉल आपका यहाँ पे जो है किसी प्रकार की यहाँ पे बैलेंस नहीं कटेगी, ये आपका जो है टोल फ्री नंबर से इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका हस्ताक्षर कितने केबी का यहाँ पे आपको लगने वाले हैं, या फिर फोटो यहाँ पे कितने सारे आपको केबी का यहाँ पे होने वाली है, तो ये सब पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं ये सब आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहें तो पूरी डिटेल्स यहाँ से जो है आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेना चाहें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कब से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 24 मार्च 2021 से लेकर 16 चार 2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि जो दिनांक यहां पे दी गई है 16 चार 2021 के बाद दिनांक 17 चार 2021 के अपराह्न 11:45 तक जो है लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। तो अगर आप 17 चार 2021 का वेट करते हैं तो 17 चार 2021 को जो है ओनली आपका पेमेंट करने की डेट यहां पे बतलाई गई है। तो आप जो है 16 चार 2021 से पहले जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा और पेमेंट भी कर लीजिएगा। लास्ट डेट का जो है आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जो JPSC के जो आपका साइट है ये आपका जो है अधिकतर जो है आपके यहाँ पे स्लो चलती है, या फिर जो है आपका किसी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप 16 चार 2021 से पहले जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,